पुलिस के जवान लगाए गए हैं, लेकिन ये टीन बाजार चौक जो है, ये टीन बाजार चौक प्रत्येक दिन लोगों की भीड़ से भरी होती है। देखिए, दुमका के दो दो बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पूरा दुमका बंद है, पूरा दुमका आज बंद है दोस्तों। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, साहब जो थे नूर मोहम्मद साहब, वो क्या किए, अपराधी का उम्र कम, नाबालिग का उम्र ज़्यादा, इनके ऊपर अभी तक सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। बंद के पूरे पूरी समर्थन में है, हम इस चीज़ का पूरा समर्थन करते हैं और बंद होना चाहिए। एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, दुमका के लिए तो आम बात हो गई है, दुमका के लिए तो बहुत साधारण बात हो गई। जिहाद, कोई इसको लव जिहाद और लव प्यार को तो लोग बदनाम कर दिया है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने अपने आप को यहाँ बैठाना चाह रहे हैं, बसाना चाह रहे हैं। झारखंड के दुमका में दो दो मामलों को लेकर लोगों का गुस्सा आज इस कदर फूट पड़ा है कि पूरा दुमका आज बंद है। इस वक्त हम टीन बाजार चौराहे पर हैं और ये तस्वीरें आपको चाहेंगे दिखाना। दूर दूर तक जो भी दुकानें आपको दिख रही होगी, सभी दुकानें बंद है, और इधर की भी तस्वीरें चाहेंगे दिखाइए, आगे आकर तस्वीरें दिखाइए, पूरा दुकान बंद है। और ये वो बाज़ार है जहां प्रत्येक दिन लोगों की भीड़ होती है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड के दुमका में दो बड़ी बड़ी कांड हुए हैं, चाहे वो अंकिता मर्डर केस को लेकर हो या फिर बगल में ही सटे एक जगह पे एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई, और इसको लेकर आज पूरा जो दुमका है वो आज कह सकते हैं कि आज सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे दुमके में। और ये तस्वीरें चाहेंगे इधर की भी दिखाइए, चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से दुमका आज बंद है, लोगों का गुस्सा किस तरीके से नज़र आ रहा है, साफ तौर पे नाराज़गी किस कदर से नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का हिंसक तौर पे प्रदर्शन ना हो सके, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान लगाए गए हैं, लेकिन ये टीन बाजार चौक जो है, ये टीन बाजार चौक प्रत्येक दिन लोगों की भीड़ से भरी होती है, और आज यहाँ पर खाली। देखिए, कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। जी। आज लोगों ने जिस तरीके से आज पूरा दुमका बंद बुलाया है, दुमका में जो दो दो बड़ी कांड हुई है, इसको लेकर क्या कहने चाहेंगे? नहीं, सही हो रहा है, ये बंद बहुत अच्छा है और ये बहुत गलत हुआ है। ये हमारे दुमका के लिए पहले कभी ऐसी घटना होती नहीं थी यहाँ पर, लेकिन आज जो है हम लोग को अच्छा लगा, बंद है, सब समर्थन कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ठीक है। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे उचित, मतलब इसकी सजा हो, जांच हो, आगे से ऐसा कोई घटना नहीं हो। देखिए, और भी लोग हैं जो लोग निकले हैं, आप लोग आज पूरा दुमका बंद है फिर भी निकले हुए हैं, कोई ज़रूरी कामों से निकले हुए हैं, किस वजह से निकले हैं? हमको थोड़ा कचहरी में काम था। अच्छा, कचहरी में काम करने के लिए निकले, देखे पूरा बंदी है, वकील लोग हैं। हाँ। ये साहब लोग नहीं बैठे हैं। हाँ। और बाज़ार देखे तो बाज़ार पूरा बंद है, बाज़ार में एक भी प्रकार किसी भी प्रकार की कोई चीज़ मिल नहीं रही। नहीं, ये आम लोगों के सहयोग से बंद है या फिर? नहीं, आम लोग का भी सहयोग है इसमें। और क्या आप लोग इस बंद के समर्थन में? समर्थन में है। देखिए, दुमका के दो दो बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पूरा दुमका बंद है, पूरा दुमका आज बंद है दोस्तों। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप आज पूरा दुमका बंद है तो? हम लोग पूरा बंदी के समर्थन में हैं और बंदी करा रहे हैं। देखिए, मुख्य बात क्या है ना, यहाँ अपराधी जो घटना कर रही है, अपराधी सरकार भी पूरा काम कर रही है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर सरकार फेल है। नहीं, किस किन बिंदुओं पर बताइए, ताकि आपके माध्यम से सरकार तक ये बातें जाए। जैसे कि इसमें ये जो घटना हुई, सभी सरकार सभी लोग साथ दिए, डीएसपी साहब जो थे नूर मोहम्मद साहब, वो क्या किए, अपराधी का उम्र कम, नाबालिग का उम्र ज़्यादा, इनके ऊपर अभी तक सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जिला तो वहाँ से अनुसंधान से तो उन्हें हटाया गया है। सिर्फ अनुसंधान से हटाने से नहीं होगा ना, उनके ऊपर कार्रवाई होना तब ना उनको लगेगा कि हमको सपोर्ट नहीं करना है। हमारे जो नगर थाना प्रभारी है नितेश सर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तीन चार दिन इन्होंने नहीं सोया, तो ऐसे आदमी को प्रोत्साहित की ना, ऐसे आदमी को हम प्रोत्साहित करेंगे ना। एसपी साहब हैं, ये लोग सभी लगे हुए हैं और बहुत अच्छा काम किए, लेकिन इनकी हम तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छा काम किए, इनके काम से संतुष्ट है, लेकिन डीएसपी साहब जो काम किए, नूर मोहम्मद नाम है डीएसपी साहब का, वो जो
नून मुस्तफा नाम है, वो जो गलत काम किए उनके ऊपर गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग प्रदर्शनकारी हैं या फिर आप जरूरत काम से निकले हुए हैं, आप भी इस बंद के समर्थन में सड़क पे हैं? हम एक्चुअल आए थे मेडिसिन लेने के लिए, कुछ जरूरी दवा लेने के लिए आए थे, लेकिन बंद के पूरे पूरी समर्थन में है। हम इस चीज़ का पूरा समर्थन करते हैं और बंद होना चाहिए। एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, दुमका के लिए तो आम बात हो गई है, दुमका के लिए तो बहुत साधारण बात हो गई है। इतना बांग्लादेशी, इतना बाहरी लोग घुसे हुए हैं यहाँ पर एक एक, और यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, खाली एकदम इजी टारगेट है कि आदिवासी गरीब बच्ची को, आदिवासी गरीब बच्चियों को फंसाना एकदम आसान टारगेट है, उनको फंसाना, उनके साथ में क्या करना, प्रेम विवाह करना। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, लव जिहाद का एंगल आप दे रहे हैं, प्रेम विवाह करना? कोई लव जिहाद, कोई इसको लव जिहाद और लव प्यार को तो लोग बदनाम कर दिया है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने अपने आप को यहाँ बैठाना चाह रहे हैं, बसाना चाह रहे हैं। इस सब सरकार को थोड़ा इसमें हार्ड होना चाहिए और इस तरह का नियम लाना चाहिए कि कोई भी बाहरी आदमी किसी दूसरे जाति के लोगों के साथ में संपर्क ना हो, उसको विवाह का नाम ना दे, प्रेम विवाह का नाम ना दे, ये सब तो। हेमंत सोरेन सरकार से आपकी क्या मांग है? हेमंत सोरेन सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग है कि यहाँ के आदिवासी और बाहरी लोग जो घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी जो घुसे हैं, उनको यहाँ से निकाले। आदिवासी लोगों को निकाले? नहीं नहीं नहीं, आदिवासी को नहीं, जो बाहरी बांग्लादेश घुसे हुए हैं। अच्छा। उनको निकाले। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेबर के लिए माफिया, लेबर का काम, ये छोटे छोटे कामों के लिए बहुत घुसे हुए हैं। और सभी में, सभी लोग, अभी आप चौक पे, किसी चौक पे चले जाइए सुबह सुबह में, डेली की बात करें, रोज, उसमें क्या होगा कि एक एक बांग्लादेशी क्या करेगा, एक एक बांग्लादेशी और बाहरी लोग जो घुसे हुए हैं, दो तीन वो आदिवासी लड़की, मुसलमान मुस्लिम लड़का लोग जो है, ये लोग क्या करता है, आदिवासी लड़की लोग को बाला फुसला के। आप आपके पास आएंगे, महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो आज निकली हुई हैं बाहर, इनसे भी बात करना जरूरी है। दुमका में जिस तरीके से घटना घटी है, आज पूरा दुमका बंद है, आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम लोग बहनी घर आए हैं, माँ आए थे, उसको देखने गया था, तबीयत खराब था। अच्छा, इसीलिए देखने गया था, अब घर जा रहे हैं। इस बंद के समर्थन में हैं आप लोग? हाँ, ये सब घटना हुआ बहुत खराब है, ये सब और क्या बोलेंगे भैया, हम लोग को इतना बोलना नहीं आता। ये वो लोग हैं जो इस दुमका के रहने वाले हैं और साफ तौर पर नाराजगी पुलिस से नहीं है, नाराजगी एक खास अधिकारी से है, नूर मुस्तफा, जो यहाँ के DSP थे, जिन्हें अनुसंधान से हटा दिया गया, लेकिन बावजूद लोगों का कहना है कि कार्रवाई उन पर कब होगी, आखिरकार कार्रवाई में इतनी विलंब क्यों हो रही है, सरकार को त्वरित उनके खिलाफ ना सिर्फ अनुसंधान से हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि जो भी विभागीय कार्यवाही है उनके खिलाफ वो की जाए। यहाँ के जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि अंकिता मर्डर केस में जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उस आरोपी की शाहरुख की बात कर रहे हैं, उस आरोपी की उम्र कम कर दी गई DSP के द्वारा, उससे नाबालिग बता दिया गया, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर आज ये तस्वीर गवाही दे रही है, आज ये तस्वीर टीन बाजार चौक की ये तस्वीर गवाही दे रही है कि यहाँ इक्का दुक्का लोग जो है वो किसी काम से बाहर निकले हैं, आवश्यक कारों से, उनके अलावा सिर्फ पुलिस के अधिकारी हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। दुमका से लगातार एक एक तस्वीरें, एक एक रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, आप टुडे बिहार झारखंड न्यूज के साथ बने रहें, सहयोगी हिमांशु सिंह के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार झारखंड न्यूज, दुमका।